बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की और उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य की। समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज अपनी नई पार्टी बना दी। जिस आधार पर उन्होंने पार्टी बनाई है उससे लगता है कि वो यूपी में अखिलेश यादव की ही मुश्किल बढ़ाने वाले हैं। उधर उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को ललकार रही हैं, बदायूं से धर्मेंद्र यादव का टिकट काटने पर तंज कस रही हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर जोश भर रही हैं। संघमित्रा मौर्य कह रही हैं कि उन्हें बीजेपी की जीत का 101% भरोसा है। परिवार एक लेकिन रास्ते पूरी तरह से अलग अलग। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में नई पार्टी का गठन कर लिया, नाम रखा राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। निशाने पर थी बीजेपी और लक्ष्य था बीजेपी को सत्ता से दूर करने का। लोकतंत्र को गुजरा जा रहा है, देश बचाना है बीजेपी हटाना है, लोकतंत्र बचाना है तो बीजेपी हटाना है। पिता भले ही बीजेपी को बार बार कोसे लेकिन बेटी की आस्था अभी भी बीजेपी में है। हौसले तो यहाँ तक मजबूत है कि बीजेपी दोबारा बदायूं से लोकसभा चुनाव लड़ाने मैदान में उतारेगी। संघमित्रा ने धर्मेंद्र यादव के टिकट कटने पर तंज कसा और शिवपाल यादव को हराने की हुंकार भर। टिकट कटने के बाद ही हमने कह दिया डर अच्छा है कि पूर्व सांसद स्वयं चले गए और अब 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय शिवपाल जी को भी भेजने का कार्य करेंगे। संघमित्रा मौर्य को स्वामी प्रसाद मौर्य ही राजनीति मिला, दोनों के बीच कोई कड़वाहट नहीं। फिर भी ऐसा क्यों है कि बेटी बीजेपी के साथ है और पिता बीजेपी के खिलाफ? इस सस्पेंस को संघमित्रा मौर्य ने बढ़ा दिया है, कह रही कि 2 महीने का इंतजार करिए। मैडम, आपके पिताजी ने समाजवादी छोड़ दी, शेरवानी साहब ने छोड़ दी, समाजवादी का क्या हश्र होने वाला है? ये ज्यादा नहीं, दो बस आप 2 महीने इंतजार करिए, परिणाम आपके सामने होगा। पिता की रणनीति पर बेटी खामोश है। घर के भीतर जो प्लान बनता है उसे बाहर लाना बेहतर नहीं समझती। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि नई पार्टी बनाकर वो इंडिया गठबंधन में हिस्सेदारी मांगेंगे। इंडिया अलायंस का हम हिस्सा बनेंगे और इंडिया अलायंस को मजबूत करने की हमारी पूरी कोशिश। आप ये हम लोग इंडिया अलायंस के साथ बातचीत करके तय करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जता रहे हो लेकिन ऐसा हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही यूपी की राजनीति में बड़ा नाम हो लेकिन नई पार्टी बनाने के बाद उन्हें अभी भी ये साबित करना होगा कि आज वोटरों के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।